बिना रिचार्ज अगर आपको देखना है सारे के सारे टीवी चैनल, तो दोस्तों मैं लाया हूं आप सबके लिए एक बेहतरीन सेटअप बॉक्स। दोस्तों इस सेटअप बॉक्स को मैं दिखाऊं उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, ये कंपनी दे रही है हमारे 5 लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और सबसे पहले कॉमेंट करने वाले 5 लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को ही दिया जाएगा, जो हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। साथ में दोस्तों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसे भी आप जरूर जाके सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबा दें। आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं बिना रिचार्ज वाला सेटअप बॉक्स। दोस्तों हमारे पास आ चुका है एक बेहतरीन सेटअप बॉक्स, जो कि दोस्तों इंडिया मोस्ट पॉपुलर डीटीएच कंपनी है, यानी कि ये कंपनी है लिरपल, और ये कंपनी दोस्तों बना के मार्केट में ला चुकी है LR22 मॉडल नंबर का ये सेटअप बॉक्स। इस सेटअप बॉक्स में दोस्तों दुनिया के सभी टीवी चैनल चलते हैं, आप जिस भी सैटेलाइट पे इसे लगाओगे उस सैटेलाइट के टीवी चैनलों को ये सेटअप बॉक्स रिसीव करेगा। 9999 टीवी चैनलों की कैपेसिटी इस सेटअप बॉक्स के अंदर है और ये आपके बजट के अंदर है। फ्री टू एयर डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर, दोस्तों यहाँ पे क्या क्या है इस चीज को भी आप लोग बखूबी देख लीजिए। ऑटो स्कैन, ऑटो शट डाउन, फेवरेट चैनल, प्रीवियस चैनल स्विच ऑप्शन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2000 चैनलों की यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी लिखी है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसमें 9999 टीवी चैनलों को देख सकते हैं। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले 5 इंडियन लैंग्वेज में आपको ये सेटअप बॉक्स प्रोवाइड कराते हैं। गुड पिक्चर एंड वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन आपको इस सेटअप बॉक्स में देखने को मिलता है। दोस्तों DVB-S सेटअप बॉक्स है, फ्री टू एयर टीवी बॉक्स है। दोस्तों यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स लिखी हुई है जिसे आप वीडियो को पॉज करके बड़ी अच्छी तरीके से आसानी के साथ दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे हम बताएंगे तो ज़्यादा लंबी हमारी वीडियो ये हो जाएगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पास ये सेटअप बॉक्स है। अब दोस्तों हम इसे ओपन करेंगे। दोस्तों ओपन करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे इस बॉक्स को ओपन किया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें ऑडियो वीडियो केबल दोस्तों मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी बेहतरीन ऑडियो वीडियो क्वालिटी जो इसकी है एवीलीड की, काफ़ी अच्छी आपको ये देखने को मिलती है। ये भी लीड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गोल्ड प्लेटेड आपको ये ऑडियो वीडियो केबल मिलती है। खैर दोस्तों ऑडियो वीडियो केबल को हम किनारे रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कितना भी अच्छा हो सेटअप बॉक्स अच्छा होना चाहिए। किसी भी सेटअप बॉक्स की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट होनी चाहिए। आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका जो सेटअप बॉक्स, ये रहा दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक रिमोट। दोस्तों इसकी जो क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इसके रिमोट से ही मिलती है। दोस्तों इसका रिमोट आप लोग देख सकते हैं कितना हक्काना ये रिमोट आपको ये देते हैं, बेहतरीन रिमोट देते हैं। जो इसकी पिक्चर, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है आप लोग देख सकते हैं इस सेटअप बॉक्स में, ये काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पे ये सेटअप बॉक्स प्रोवाइड कराते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको अदर सेट रिमोट में नहीं मिलते हैं। ये रिमोट दोस्तों लॉन्ग लाइफ आपका चलेगा, बहुत ही बेहतरीन ये रिमोट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत ये रिमोट है। दोस्तों ये हाथ में अगर आप लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको हाथ में लेना पड़ेगा, काफ़ी मोटा काफ़ी तगड़ा आपको ये रिमोट मिलता है। आगे आपको जो ये सेंसर मिलता है, ये सेंसर जो इंडिकेटर बल्ब है LED जो लगा होता है, आसान शब्दों में आप समझे ये LED काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी मोटा LED लगा हुआ है, जिससे आपका सेटअप बॉक्स का जो रेंज है 10 फीट से भी ज़्यादा अगर रहता है तो भी ये कैच करता है। इस कंपनी का जो हॉलमार्क है यहाँ पे आपको स्टिकर लगा हुआ है देख सकते हैं। इसमें सेल कौन से लगते हैं दोस्तों, इसमें लगते हैं AA सेल, यानी मोटे वाले सेल लगते हैं, काफ़ी हैवी ये वर्क करता है दोस्तों, तो इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं आसानी के साथ। ये देखिए यहाँ पे लग चुका है। अब दोस्तों जो इस सेटअप बॉक्स में हर एक रिमोट काम करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं सेटअप बॉक्स दिखाने जा रहा हूँ इसमें हर एक रिमोट काम करता है। तो दोस्तों आइए रिमोट को हम साइड में रखते हैं। अब ये जो हमारा सेटअप बॉक्स है इसे ओपन करते हैं। दोस्तों ओपन करते हैं यहाँ पे, दोस्तों जो ये सेटअप बॉक्स है, जो इसकी क्वालिटी है आप लोग देख सकते हैं कितनी बेस्ट क्वालिटी है। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और चैनल्स के बटन मिल जाएंगे, मेनू मिल जाएगा, ओके मिल जाएगा, पावर का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो इसकी प्लास्टिक बॉडी है यहाँ पे देख सकते हैं, वारंटी ऑल IF सील आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस बॉक्स में।
और यहाँ पे दोस्तों ये डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है, कंपनी का जो ब्रांड लोगो है यहाँ पे लगा हुआ है, इस चीज़ को भी आप लोग बखूबी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और जो इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं यहाँ से इस जाली के माध्यम से दिखाई देते हैं, अगर कोई पार्ट्स गर्म होता है तो ज़्यादा गर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये जालियाँ हैं, एयर निकलेगा और ये कूल रहेगी आपकी प्लेट, और ये लॉन्ग लाइफ कुछ इसी चक्करों में इसी की वजह से ये चलता है। काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट हमें लगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके बैक साइड में हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको एक LNB इनका ऑप्शन है और उसके बाद से यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। HDMI का ऑप्शन इस बॉक्स में नहीं मिलता है, यहाँ पे पावर का बटन मिलता है। दोस्तों हम आप लोगों को यहाँ पे पावर लगा के दिखा देते हैं इस बॉक्स में, इसमें के पावर किस प्रकार से ये काम करता है दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से। थोड़ा सा वेट करें दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पावर लगा दिया है इस बॉक्स में। यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले है आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पर डिस्प्ले आ रही है। ये देखिए इसके जो चैनल्स हैं, यहाँ पर आप चैनलों की संख्या देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग चैनलों की संख्या, और बॉक्स काफ़ी बेहतरीन बॉक्स है। अब दोस्तों इस बॉक्स में मैं आपको बहुत सारे टीवी चैनलों को चला के दिखाने वाला हूं, जिसे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो आइए दोस्तों हम चैनलों को दिखाते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, सबसे पहले लाइक और सबसे पहले कॉमेंट करने वाले अपने लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में ये वाला फाइंडर। दोस्तों ये वाला फाइंडर आप में से लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को मिल रहा है, तो दोस्तों देर किस बात की है, 5 लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर बिल्कुल फ्री में लेके जाएं, सबसे पहले लाइक और सबसे पहले कमेंट करके। तो दोस्तों चलिए हम आप लोगों को अब इस सेटअप बॉक्स की सारी सेटिंग सारी डिटेल दिखाते हैं। वैसे तो दोस्तों आप सबको मालूम है हमारी हर एक वीडियो यूनिक होती है और कुछ ना कुछ नया मैं हमेशा दिखाता हूं आप लोगों को। दोस्तों आज आप इस सेटअप बॉक्स का लुक देख लो, आप जो मार्केट से सेटअप बॉक्स खरीदते हो उससे भी कम प्राइस में आपको ये सेटअप बॉक्स आपके मार्केट में ही मिल जाता है, और इसका नाम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। दोस्तों इस सेटअप बॉक्स में आपको नए नए टीवी चैनल देखने को मिलेंगे। दोस्तों कुछ एक टीवी चैनलों को मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टीवी चैनल हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों उसके लिए आपको अपनी डिश को तो सेट करना ही होगा। तो खैर दोस्तों ये तो मसला दूसरा है डिश सेटिंग का। डिश सेटिंग की वीडियो आप सबको मालूम है हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल यूनिक बिल्कुल नए कंटेंट के साथ आपको मिलती है, हमेशा मिलती है, और मैं कभी भी रिपीट वीडियोज नहीं देता। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस सेटअप बॉक्स की पूरी मेनू पूरी डिटेल के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले जब मैं इसका मेनू इंटरफेस दबाता हूं तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ आता है, ऊपर लिरपल का ब्रांड लोगो आपको मिल जाता है, और नीचे दोस्तों टीवी चैनल रेडियो चैनल एड चैनल जैसे ये प्रोग्राम जो चैनल्स हैं जो इसके मेनू फंक्शन हैं ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों हम यहां पे टीवी चैनल पे ओके करेंगे, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी सारी अच्छे फंक्शन के साथ आपके नॉर्मल बॉक्स को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आप नॉर्मल बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जो फंक्शन है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों ऐड चैनल भी आप यहां पे कर सकते हैं, कोई भी चैनल अगर आप ऐड करना चाहें बस नॉर्मल तरीके से आप इसे ओके करेंगे। यहां से दोस्तों स्कैनिंग कुछ इस प्रकार से होगी, ऑटो स्कैन भी करोगे तो कुछ इस प्रकार से यहां पे ऑटो स्कैनिंग होगी, और यहां पे ऑटो स्कैन हो जाएगा और आपके पास जो चैनल्स हैं वो नए नए चैनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास सैटेलाइट का, यहाँ पे दोस्तों ऑटो स्कैन, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक फंक्शन यहाँ पे समझा दूँ। अगर आप लोग ये सेटअप बॉक्स खरीद लेते हैं आपके मार्केट में मिल जाता है तो आप लोगों को करना क्या होगा, एडिट सैटेलाइट, आपको यहाँ पे सैटेलाइट ऐड करनी होगी। आप अपना नाम डाल सकते हैं या किसी का नाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप, आपका यहाँ पे एक नाम सेट हो जाएगा, या किसी सैटेलाइट का नाम डालना चाहें, डीडी फेडिश डालना चाहें, नील सेट डालना चाहें, हॉट बर्ड, थाई कॉम, टेली कॉम, या आप टेली स्टार डालना चाहें, सेस 7 डालना चाहें, ABS फ्री डिश डालना चाहें, ये सारे नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद सर सैटेलाइट लैंगिट्यूब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप इसको देखते हैं स्टैंडर्ड में, यहाँ पे नोट कीजिएगा दोस्तों आप लोग कि LNB टाइप आपको क्या डालनी है। अगर आप सी बैंड की सैटेलाइट को यूज करते हैं तो आपको ये वाली LNB टाइप डालनी होगी स्टैंडर्ड।
उसके बाद से दोस्तों यूजर, आप यूजर में आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। अगर आपको KU बैंड छोटी छतरी 2 फीट पे, छोटी LNB पे अगर आपको सेटेलाइटों को सेट करना है तो आप यूनिवर्सल मोड यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कई एक मोड है, यहाँ पे LNB फ्रिक्वेंसी भी लिखी हुई है। आपको 13/18 वोल्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट रखना है। अगर इसकी स्विच लगा रखा है तो आप यहाँ पे 1 लिखिए, ठीक है, और उसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5 आप जो भी डील लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ओके करेंगे, मेनू दबाएंगे, उसके बाद ओके करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद एडिट सेटेलाइट, डिलीट सेटेलाइट, ऑटो स्कैन के लिए दोस्तों आप यहाँ से ऑटो स्कैन कर सकते हैं। नीट सर्च आप यहाँ से कर सकते हैं, सेटेलाइट सर्च आप किसी भी सेटेलाइट को सर्च करना चाहें ऑटोमेटिक तौर पे यहाँ से हो जाएगा, ओके करेंगे हो जाएगा। पीड सर्च अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे पीड बदलना, किसी भी सेटेलाइट को मैन्युअली ऐड करना किसी भी टीवी चैनल को तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको कई भारतीय भाषाओं में मिल जाती है, यहाँ पे हिंदी भी है, बहुत सारी भारतीय भाषाएँ हैं। टीवी सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पोल पे रखा है इसे। ऑटो शट डाउन, OHD सेटिंग, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पेरेंट्स लॉक, कलर सेटिंग आप यहां पे कर सकते हैं। कलर सेटिंग में आप लोग देख सकते हैं गजब का ये सेटअप बॉक्स है दोस्तों, गजब का सेटअप बॉक्स है। ऐसा सेटअप बॉक्स दोस्तों बहुत कोई नहीं बनाता, बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो लूटती हैं। एक कंपनी का नाम है आप सबको मालूम है, वो बहुत लूटती है। तो उससे बढ़िया बेहतर ऑप्शन इस कंपनी का है, लिरपल बेस्ट है, इसका नाम उतना नहीं है लेकिन ये बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। और इसके जो मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाए काफ़ी अच्छे हैं। सेटेलाइट गाइड सॉफ्टवेयर अपग्रेड आप यहाँ से कर सकते हैं, गेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बस ये सारे फंक्शन हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिग्नल क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वहाँ पे छेड़खानी किया है ना, तो इसलिए यहाँ पे नो सिग्नल हो गया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उस सेटिंग को मैं यहाँ पे दुरुस्त कर देता हूँ। दुरुस्त एडिट सेटेलाइट, एडिट सेटेलाइट में हम आके यहाँ पे हम इसको 4 कर लेते हैं क्योंकि LNB 4 में हमारा लगा हुआ है। तो यहाँ पे 4 करने के बाद देखते हैं क्या स्थिति है, ये देखिए चलने लगा। यहाँ पे सिग्नल क्वालिटी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जो इसका सिग्नल इसमें आपको ज़्यादा ही मिलेगा। नॉर्मल बॉक्स में अगर मैं अभी लगा दूँ तो यहाँ पे आपको 40-41% ही सिग्नल दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 83% सिग्नल दिखा रहा है तो काफ़ी अच्छा ये मेरे को लगा। यहाँ पे इसकी जो सिग्नल क्वालिटी, इसकी जो फंक्शन है, ये काफ़ी सारे अच्छे हमें लगे। दोस्तों आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है उस सेकंड चैनल का, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट का, अगर ये प्रोडक्ट Amazon पे होगा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अन्यथा आप अपने लोकल मार्केट में इसे चेक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बताएं हम आपके लिए कौन सी वीडियो बनाएं, किस प्रकार की वीडियो बनाएं, आप सजेस्ट करेंगे और आप जीत भी सकते हैं बिल्कुल फ्री में सेटअप बॉक्स। मैं मिलूंगा किसी और नए वीडियो में।